इसके बदले में तुझे एक दर्जन केले दे सकता हूं। उस व्यक्ति ने अपना पत्थर वापस लिया और आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर के वो एक सब्जी वाले की दुकान पर पहुंचता है। उस सब्जी वाले को दिखाता है कि भाई इस पत्थर के टुकड़े की तू क्या कीमत लगाता है, इसका मूल्य बता। उस व्यक्ति ने उस पत्थर को एग्जामिन किया, उसका निरीक्षण किया और करने के बाद बोला कि भाई तेरा पत्थर अच्छा है, अच्छा चमकता है, हमारे बच्चे इससे खिलौने की तरह खेलते रहेंगे। ये पत्थर मेरे पास छोड़ जा और इसके बदले में एक बोरी आलू ले जा। वो व्यक्ति अपना पत्थर वापस लेता है और वापस लेने के बाद वो आगे बढ़ जाता है। आगे जाकर के वो सुनार की दुकान पर पहुंचता है और सुनार से कहता है कि इस पत्थर का हमें मूल्य बताए, इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत का नहीं है, चालू करना है। सिर्फ कीमत का। धनाढ्य व्यक्ति रास्ते से गुजर रहा होता है, उस व्यक्ति को उसने अपनी पीड़ा बताई, उसने अपनी व्यथा बताई कि भाई क्या तुम इस पत्थर का आकलन कर सकते हो, इसकी कीमत बता सकते हो, इसका मूल्य क्या है। उस धनाढ्य व्यक्ति ने जब देखा कि ये पारसमणि पत्थर है, ये वेस कीमती है, उसने तुरंत अपने पगड़ी का कपड़ा खोला और जमीन पर बिछाया और बिछाने के बाद उस पारसमणि को जमीन पर रखा और इसकी परिक्रमा की और परिक्रमा करने के पश्चात सर झुकाया और उसमें नतमस्तक हुआ उसके सामने। उसके बाद उसने कहा कि भाई तेरा पत्थर जो रहता है सारी कायनात को अगर बेच दिया जाए, सारी दुनिया को अगर बेच दिया जाए, तब भी इस पत्थर की कीमत का आकलन नहीं किया जा सकता। उस पत्थर को लेकर के वो वापस गुरु महाराज के पास पहुंचता है और अपने गुरु महाराज को सारी कहानी सुनाता है कि ये हमारे साथ घटित हुआ। उसके बाद उसने गुरु महाराज के सामने फिर से हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि महाराज हमें अभी हमारे प्रश्न का जवाब नहीं मिला, मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हुआ, हमें यह समझ में नहीं आया कि जीवन का मूल्य क्या है, मैंने आपका काम कर दिया, अब आप हमारा काम करें। गुरु महाराज थोड़े से मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद जवाब देते हैं कि मूर्ख हो, अभी तक तुम्हें जीवन का मूल्य समझ में नहीं आया। अगर तू चाहे तो अपने जीवन को एक दर्जन केले के भाव में बेच दे, अगर तू चाहे तो एक बोरी आलू के भाव में बेच दे, अगर तू चाहे तो अपने जीवन को एक लाख रुपए में बेच दे। कि तू किस नजर से अपने जीवन को देखता है, कितना कीमती इसे बनाना चाहता है। मैं ठीक इसी तरीके से यथार्थ की तरफ आपको मोड़ने का प्रयास करता हूं। मैं वापस आपके नौनिहालों की तरफ, इस देश के भविष्य की तरफ आपको लाने का प्रयास करता हूं और अंतिम पंक्तियों में मेरी जो संदेश है उसको समझने का प्रयास करें। ठीक उसी तरीके से आपके बच्चे का जीवन ना तो शिक्षक के हाथ में है और ना ही किसी और के हाथ में और ना ही भगवान के हाथ में है। उसके भगवान भी आप हैं, उसका भविष्य भी आपके हाथ में है। आप अगर चाहें तो उसके जीवन को एक दर्जन केले के भाव में बेच दो, अगर आप चाहो तो उसके जीवन को एक बोरी आलू के भाव में बेच दो, अगर आप चाहो तो एक लाख रुपए में बेच दो, अगर चाहो तो आप उसके जीवन को इतना बेशकीमती बना दो कि सारी कायनात अगर बेच दी जाए, सारी दुनिया अगर बेच दी जाए, फिर भी उसकी कीमत का आकलन न किया जा सके। ये निर्भर करेगा आपकी दृष्टि पर, यह निर्भर करेगा आपकी सोच पर कि आप अपने बालक के जीवन को क्या बनाना चाहते हैं। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए श्रीमान मिस्टर नीलेश कुमार जी से अनुरोध करूंगा कि कटो को प्लीज फॉरवर्ड नाउ। थैंक्स अ लॉट मिस्टर निर्भर प्रसाद जी, एंड I would like to tell you about the quiz competition which was held on 12th April 2015. A quiz program for Pratibha Khos. The title of this quiz was Udaan. We have conducted this competition yesterday on 12th April. I would like to announce the result of this competition. In this competition, total students 52 have participated from all over our areas. And in this competition, we have selected top 10 students. So, I would like to call top 10 students to come on the stage for participating in the interview as the oral quiz competition. Please, big applause for them. Please, that's it. जिस घड़ी का हमें इंतजार था, यानी कि कल आपके क्षेत्र में से काफी नौनिहालों ने एक प्रतियोगिता में भाग लिया जो इस विद्यालय में आयोजित की गई थी। उस प्रतियोगिता में से कुछ छात्रों के नाम मेरिट के आधार पर चयनित किए गए हैं
और उनका नाम अनाउंस करने के लिए मैं उनका नाम अनाउंस करना चाहेंगे। सबसे फर्स्ट रैंक से लेकर के टेंथ यानी 10 टॉप 10 सेलेक्ट किए गए हैं और टॉप 10 में सबसे यानी 10वें नंबर पर जो 10वां स्थान जिस छात्र ने प्राप्त किया है मैं सबसे पहले उसे बुलाना चाहूंगा। और 10वां स्थान प्राप्त करने वाली एक छात्रा है जिसका नाम है साधना कुमारी मिस्टर मिलाप सिंह फ्रॉम कोडर। अगर वो यहां है तो प्लीज साधना कुमारी मिस्टर मिलाप सिंह। Namaste. I would like to tell you the ninth position which I have. The name of the student is Anjul Mishra, son of Mr. Sanjay Mishra. Please come on the stage. So big applause for the student which have got the ninth position in written science competition